नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता चल दिया है, जो राजनीतिक क्षेत्र में, देश की राजनीतिक हलकों में जो आम एक धारणा बनी हुई थी लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद कि, और उसमें भी जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो जगह से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए, रायबरेली और वायनाड से, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी संभवतः रायबरेली सीट छोड़ेंगे और वायनाड, जिसने 2019 में उनका मान रखा था, उनका खैर मकदम किया था और रिकॉर्ड मतों से उन्हें जीत दिलाकर संसद में भेजा था, वो सीट वो अपने पास कायम रखेंगे। इसके पीछे एक ये भी सोच थी कि दक्षिण भारत में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत की है, केरल में भी जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है, वैसी स्थिति में ये कभी किसी ने कयास भी शायद न लगाया हो कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूचित किया कि राहुल गांधी अब रायबरेली से ही सांसद रहेंगे, वायनाड से नहीं। आज ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब 18 जून तक का की ये मोहलत थी कि उन्हें ये डिसाइड करना है कि वो कहाँ से अपनी सांसदी को बरकरार रखना चाहते हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने अपने वायनाड के साथियों को, अपने वायनाड के मतदाताओं को, वायनाड के सभी राजनीतिक दलों को के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, अपना प्यार व्यक्त किया, अपनी मोहब्बत दर्शाई और उनसे ये वादा किया कि वो उनसे मिले मोहब्बत को, उनसे मिले प्यार को वो ताजिंदगी कभी नहीं भूलेंगे और वो ऐसा कतई न समझें कि वो वायनाड से दूर जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ एक घोषणा ये भी की कि वायनाड से उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि अब चाहे रायबरेली हो चाहे वायनाड हो, उनको दो दो सांसद मिलेंगे क्योंकि दोनों भाई बहन दोनों जगह उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से एक फुलफिल सांसद अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, यानी रायबरेली और उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी ने चुन लिया है। यहाँ एक चीज ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, उन्होंने इस राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, दिल्ली के पत्रकारों ने जो उनसे सवाल पूछे उसका बड़े हंसते हुए बहुत निर्भीक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले 4 लोकसभा चुनावों से, 5 लोकसभा चुनावों से अमेठी और रायबरेली के लिए वो जिस तरह से काम करती रही हैं वो काम करती रहेंगी, ठीक उसी अंदाज में वो वायनाड के साथ भी काम करेंगी। वायनाड अब गांधी परिवार का एक और संसदीय क्षेत्र बन गया है। माने इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से गांधी परिवार ने 3-3 लोकसभा चुनावों पर 2-2 सांसद, 3-3 सांसद देने का काम किया है। अगर हम बात करें अमेठी की, जहाँ जो पुस्तैनी रूप से कांग्रेस की सीट रही है, चाहे वो संजय गांधी वहाँ से चुनाव जीते हों या उसके बाद से
सोनिया का राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते हों 2004 से लेकर के 2014 तक, 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें जरूर हराया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस ने मिलकर के जिस तरह से अमेठी से अपने खास किशोरीलाल शर्मा को शानदार मतों से विजयी कराया, रिकॉर्ड मतों से विजयी कराया, और वहाँ भी जब वो आभार प्रदर्शन करने के लिए एक सभा हुई थी रायबरेली में, उस दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी हो या रायबरेली, ये हम दोनों जगह से जो काम रायबरेली में होगा वही काम अमेठी में भी होगा, यानी अब रायबरेली अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट भी जुड़ गई है, जो काम रायबरेली में होगा अमेठी में होगा वही काम, वैसा ही काम विकास का कार्य, आम जनता की बातों को सुनने का कार्य, उनकी मुसीबतों में खड़े रहने का कार्य, या उनकी हर उनकी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करने का काम ये गांधी परिवार अब करेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2019 में जब सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी आई थी, उस समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। बार बार ये कहा गया शुरुआती दौर में कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। वाराणसी कांग्रेस ने उनके लिए प्रस्ताव भी पारित किया और मुख्यालय तक भेजा भी था। अभी अगर रायबरेली की जिस सभा की मैं बात कर रहा था, जिस आप धन्यवाद सभा की बात कर रहा था, उसमें राहुल गांधी ने बाकायदे मंच से ऐलानिया ये कहा था कि अगर वाराणसी से इस बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ गई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 लाख मतों से चुनाव हार गए होते। वो बात आई गई हो गई, विपक्ष ने यानी कि दिल्ली की सत्ता ने उसका माखौल भी उड़ाया, वाराणसी में भी कुछ बीजेपी के लोगों ने उसका माखौल उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने जिस तरह जो निर्णय लिया है वो निर्णय उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर के जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से उनको उपलब्धि हासिल हुई, बीजेपी को बैकफुट में आना पड़ा, उस प्रक्रिया को राहुल गांधी आगे ले जाना चाहते हैं। ये काम वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक इसको खींच करके ले जाना चाहते हैं। ये कल ही ये बातें सामने आ गई थी कि अब 2027 तक ये गठबंधन बना रहेगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में भी ठीक उसी तरह से चुनाव लड़ेगा जिस तरह से उसने लोकसभा 2024 के इलेक्शन में साथ मिलकर के विपक्ष यानी कि दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, 2027 अभी काफ़ी दिन है, लेकिन जो काम, जो बीड़ा कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उठाया है और जिस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी ने ये निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट अपने पास रखनी चाहिए, ये एक बड़ा निर्णय है, ये एक बड़ा कूटनीतिक निर्णय है। इसके साथ ही ये दूरगामी संदेश भी देता है, हालांकि इसके पीछे एक संवेदनशील मामला भी है। चुनाव रायबरेली लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले ही जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव जो हुआ और उसमें रायबरेली की सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये कह करके रायबरेली की जनता के नाम एक पत्र लिख करके जो मार्मिक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि परिवार का सदस्य ही आपके बीच आएगा, चुनाव के दौरान जब वो कन्विंसिंग करने के लिए गई तो उन्होंने सीधे सीधे रायबरेली की जनता से कहा था कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ।
माँ की लाज रखने के लिए, माँ की बात रखने के लिए राहुल गांधी ने जो फैसला किया वो राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आए और जनता ने झूम करके उनको वोट दिया और रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया। अब ये सियासी गणित बीजेपी के लिए जरूर चिंता का सबब हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या उनके रणनीतिकार हो, और ये चैलेंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ के लिए भी होगा, योगी आदित्यनाथ के लिए भी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, बीजेपी और आरएसएस को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं, और जिस अंदाज में अभी दो दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की जो बातचीत हुई है गोरखपुर में, उसके बाद से जो रणनीति बन रही थी, जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर एक नया मोड़ जरूर आया है। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, यानी कि पूरी कांग्रेस और गांधी परिवार ने मिलकर के बीजेपी के आरएसएस के मंसूबों को एक तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की है। उन्हें अपने जो कुछ भी उनकी रणनीति थी उस रणनीति पर एक बार पुनर्विचार करने की के लिए उनको बाध्य किया है। और ये निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के लिए भी, अब जब वो 2019 से लेकर के 2024 तक जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है राजनीति के पिच पर, अब वो चुनावी राजनीति में उतरने जा रही हैं, और ये निर्णय उनके लिए बहुत खास होगा। और वो वायनाड से जीत करके जब आएंगी और संसद में जब वो पहुंचेंगी तो कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से, जिस तरह के सांसद इस बार लोकसभा में, संसद में पहुंचे हैं, वो सत्तारूढ़ दल जो एनडीए है, जो कि गठबंधन के सहारे प्रधानमंत्री पहली बार सरकार चला रहे हैं, उनके लिए भी ये आसान नहीं होगा। जिस अंदाज में राहुल गांधी उतरेंगे, प्रियंका गांधी उतरेंगी और अखिलेश यादव उतरेंगे, चंद्रशेखर उतरेंगे, ये सारा का सारा खेल जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये 5 साल की राजनीति जो होगी लोकसभा चुनाव के बाद की, संसदीय चुनाव की, वो राजनीति अपने आप में एक अलग मिसाल कायम करेगी। और गांधी परिवार से अब दो दो नेता, दोनों भाई बहन आम जनता के बीच जा कर के संसद में पहुंचेंगे अगर प्रियंका गांधी वहां से जीतती हैं तो। और ये गांधी परिवार का इस देश के लिए जो समर्पण का भाव है, उस भाव को लेकर के जब वो परिवार सामने आएगा, राज्यसभा में सोनिया गांधी होंगी और लोकसभा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन भी होंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये एक नई शुरुआत होगी गांधी परिवार के लिए, वाड्रा परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए, साथ ही देश की राजनीति के लिए। आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी इस लोक पूरे देश की राजनीति के लिए, पूरे देश के, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, और आगामी कांग्रेस आने वाले समय के लिए, कांग्रेस के लिए ये एक सुखद और एक बढ़िया निर्णय होगा ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। तो अब आगे क्या होता है इस पर नज़र बनाए रखेंगे। प्रतिपल की सूचनाओं के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अपील के साथ कि वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। और अगर अब तक अजय चतुर्वेदी 842 इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।